हाँ जी, का हाल चाल? ठीक है, सब ठीक ही होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, एक न्यू टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 10th पास कर दिए हैं और 10th के बाद और कोर्स करना चाहते हैं आगे का कोर्स, तो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, ये बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10th के बाद आपको चार रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता मिलेगा आपका साइंस का, एक रास्ता मिलेगा आर्ट्स का, और एक रास्ता मिलेगा कॉमर्स का, और एक है जो है पॉलिटेक्निक का। तो और एक और रास्ता है उसमें, लेकिन पॉलिटेक्निक नहीं आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक का बात करता हूँ। तो पॉलिटेक्निक आप ऐसे ही नहीं कर लेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भराएगा उसका, आप अभी भरा रहा है फॉर्म, जो लोग 2023 में पास किए होंगे अभी मई तक भराएगा, 1 मई तक लास्ट डेट है, भरेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपको मेरिट आएगा, मेरिट में अगर नाम आपको आएगा तो सरकारी कॉलेज लेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप पॉलिटेक्निक ले, आप इंजीनियरिंग लाइन पकड़ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसमें इंजीनियरिंग लाइन पकड़ेंगे अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो। अगर पॉलिटेक्निक हो जाता है तो अच्छी बात है। आप एक कोर्स चाहें तो आप मैट्रिक के बाद से ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन जो होता है वो है साइंस। आपको पता होगा कि इस टाइम में बहुत सारे लोग साइंस ले रहे हैं। साइंस भी ठीक है, लेकिन साइंस में हमारे हिसाब से, साइंस मैं भी किया हूँ, लेकिन हमारे हिसाब से साइंस से बेटर है आर्ट्स। क्यों आर्ट्स अच्छा है कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स से आपका नौकरी लग सकता है। आर्ट्स लीजिएगा, उसके बाद आपको आर्ट्स में कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, कंपटीशन का तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप आर्ट्स अभी 10th पास किए हैं तो 14 साल का होंगे, और आर्ट्स लीजिएगा तो आपको 4 साल टाइम होता है, क्योंकि आप आपका नौकरी लगेगा 18 साल के बाद। अगर 4 साल में आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको 18 साल तक में आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। और कोई भी क्लास अगर करते हैं तो बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। तो कोई भी फॉर्म आता है तो आप अप्लाई करिएगा तो आपका तुरंत हो जाएगा, और हाइट भी अगर अच्छा रहेगा तब। साइंस से आप आगे जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत पैसा लगेगा तब जाइएगा। लेकिन आर्ट्स से आप शॉर्ट टाइम में ही आपको नौकरी मिल जाएगा। और कॉमर्स से आपको पता होगा कि कॉमर्स से आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। तो चलिए, आपको पूरी जानकारी आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही पर मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।